Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कैन आई स्टार्ट द क्लास? यस मदर, यू कैन स्टार्ट। डू यू वांट टू शेयर समथिंग मदर? शुड आई मेक यू द प्रेजेंटर? आई डोंट नो, मेरा ना इसमें टीम्स में आई एम नॉट गुड, तो मैं जूम पे ही कर सकती हूँ, मेरा इसमें नहीं आएगा। तो कोई और करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव द बुक। आई थिंक अदर्स आर इन ऑफिस। चलो अभी तो ऐसे ही कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू ऑल द वैष्णवस। आज मेरे को ये सेवा मिली है और मैं वैसे इस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं माता जी से और गोपी मनोहर प्रभु जी से बोल देती हूँ कि मेरे को दे दे, क्योंकि इसी बहाने जो है मैं भी थोड़ा अपना प्योरिफिकेशन कर पाऊंगी। एंड आई विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज 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 ब्लेस मी एंड प्रे फॉर मी कि मैं कुछ भगवान के ये जो शब्द हैं इनका सही मायने में जो मैंने सुना है उसको बता सकूं। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर प्रभु जीज एंड माता जीज की जो भी क्वेश्चन आंसर्स हों या इनमें और भी मेरी जो मिस्टेक्स हैं उनको प्लीज़ उजागर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली बारी के लिए मैं इम्प्रूव कर सकूँ। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर माई मिस्टेक्स, कोई मेरे को बताता है तो। एंड थैंक यू सो वेरी मच। सो इसको शुरू करने से पहले हम गुरु और गणांग से प्रेयर कर लेते हैं, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम अपने जीवन में भी उतार सकें और समझ सकें। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे, नारायणं नमस्कृत्यं नमरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। पञ्चतत्त्वकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपिकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तसत्यकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कर रहे हैं थर्ड कैंटो फोर्थ चैप्टर 11th श्लोका। श्री भगवान वाचा वेदाहम अनंत मनसि इप्सितं ते ददामि यत्तत् दुर्वाप्पम् अन्यः सत्रे पुरा विश्वसृजाम् वसुनाम् मत्सिद्धि कामेन वसो त्वया इष्ट। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, वेद जानता हूं, अहम मैं, अंतः भीतर, मनसी मन में, इप्सितम इच्छित, ते तुम्हें ददामी देता हूं, यत जो है, तत वह, दुर्वापम प्राप्त कर पाना जीवन कठिन है, अन्य अन्यों द्वारा सत्रे यज्ञ में, पुरा
प्राचीन काल में विश्व सृजाम इस सृष्टि के सृजन करने वालों के वसुनाम वसुओं का मत सिद्धिम कामिन मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा से वसु हे वसु त्वया तुम्हारे द्वारा इष्ट जीवन के चरम लक्ष्य। अनुवाद, हे वसु मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूं। सो ये वाला जो श्लोक है भगवान कृष्ण ने उद्धव को संबोधित करते हुए कहा है। बहुत ही सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद ने इसमें पराचेतना या परमात्मा जो हृदय में बैठे हुए हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि जीव जब दूसरे जन्म लेता है दिन वो ये भूल जाता है कि पास्ट लाइफ में मैंने क्या इच्छा की थी या कैसे व्यवहार किया था। पर जो परम चेतना का स्वरूप में भगवान हृदय में बैठे होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। ये शिला प्रभुपाद जो अपने परपट में उन्होंने लिखा है कि हरेक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है। मैं पूरा परपट नहीं पढ़ रही हूँ, आई थिंक टाइम की शॉर्टेज भी रहेगी। तो हरेक के जीव हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है परंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। अब देखिए हमको नहीं पता अपनी पास्ट लाइफ का। कुछ लोग हम अगर देखें तो हम बड़े उनसे जब मिलते हैं ना कुछ लोगों को देखते ही हम बड़े प्रेम से उनसे मिलना चाहते हैं, उनका आदर करने लगते हैं, उनसे प्रेम करने की इच्छा होती है। और कुछ लोगों को देखकर ऐसा भाव आता है कि वो आपको पसंद ही नहीं लगते या आपको उनको देख के ही गुस्सा आ जाता है या फिर कुछ के ऊपर आप उपकार करना चाहते हो, आपका मन कर रहा होता है। तो ये सब जो है ये हमारे विगत जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। किसी से प्रेम करने की इच्छा होती है तो किसी से बात करने की और किसी से कई बार ऐसा होता है भगवान के लिए हमारे हृदय में कुछ इच्छा होती है कि मैं भगवान के लिए कुछ लेके जाऊं, बंदे जा रही हूं या किसी के घर हम उसमें जा रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं या उन्होंने उनके घर में डीटीज है, हम कोई फंक्शन दूसरा है पर उन्होंने किसी और पर्पस के लिए बुलाया है, या तब भी आपका मन कर रहा होता है कि मैं उनके उनके जो विक्रय है बहुत सुंदर है चलो उनके लिए कुछ लेके जाती हूँ, या हम किसी कीर्तन में जाते हैं तो हमारा मन करता है कि प्रसाद तो बहुत बना होगा चलो मैं भी कुछ लेके जाती हूँ भगवान के लिए बनाने के। और कई बार क्या होता है भगवान की हम संगति करना चाहते हैं कि भगवान के लिए कुछ कार्य करना है, कुछ कुछ है जो हमको करने का मन करता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मीन्स कि भगवान कहते हैं कि आप जो है वो पूरी तरह से मुझको सरेंडर करो और जब सरेंडर करते हो तो मैं जो है आपको ये रिवॉर्ड देता हूँ, और जब आप मेरे साथ मेरे को प्रे करते हो तो मैं आपको उस हिसाब से हेल्प आउट भी करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर्पट में देखें कि शिला प्रभुपाद ने जब बताया कि उद्धव जी जो है जिनका एक अंश वसु है और जब वसु और देवतागण सृष्टि को चलाने के समय में यज्ञ कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने इच्छा प्रकट की भगवान से कि मैं आपका संगी बनना चाहता हूं और भगवान ने ये इच्छा उनकी पूरी कर दी। तो इस तरह जीव जो है वो अपने स्वेच्छा के अनुसार इच्छा करता है
और उसकी इच्छा की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही होती है। इच्छा करने के लिए तो जीव स्वतंत्र है, बट उसकी पूर्ति जो है वो सिर्फ भगवान पर निर्भर होती है। जीव इच्छा कर सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उसकी इच्छा पूरी हो। जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश का एक वो है, वी गेट वॉट वी डिजर्व एंड नॉट वी वॉट वी डिजायर। वी गेट वॉट वी डिजर्व एंड नॉट वॉट वी डिजायर। हम तो जो भी हमको मिलता है ये मिलता है कृष्ण की अनुमति के द्वारा, बिकॉज अगर उनकी परमिशन के बिना इस संसार में तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार आध्यात्मिक इच्छा एक परम भक्त ने की और भगवान ने उसको पूरा कराया, और उद्धव को उन्होंने क्या किया, अपना पार्षद ही बना लिया। अब शास्त्रों में हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं जहां भक्तों ने भगवान को अपना संगी बनाने की इच्छा की और भगवान ने उनको प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। Any examples by all of you? माता जी, सुदामा। सुदामा, very nice. और माता जी, अपने रामायण में जो जो ऋषि थे दंडकारण्य के ऋषि। Very nice. और बहुत सारे एग्जांपल्स है। ध्रुव महाराज। यस, ध्रुव महाराज। और सबसे पहले गोपियां, इतनी गरीब गोपियां, उन्होंने क्या चाहा कि हम भगवान को जो है अपना पति स्वीकार करना चाहते हैं। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने तो ब्रह्म विमोहन लीला ही कर दी और खुद को गोप कुमारों के रूप में विस्तृत किया, और वहां ब्रज में जो गायें थी उनकी इच्छा हुई कि उनको मैं भी जो है भगवान को दूध पिलाने की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बछड़ों के रूप में ही खुद को विस्तृत कर लिया। सो एक साल के अंदर उन्होंने नंद महाराज कि ये पैगाम हो गया कि इन गोप गोपियों का विवाह का समय आ गया। सो लुक, जो गोपियां भगवान को पाने के लिए कात्यायनी व्रत कर रही थी, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान की मैं उनको पति के रूप में पाना चाहती हूं, भगवान ने इतना विस्तार कर लिया, वो उनके पति बने और जितने बछड़े थे वो बनकर उन्होंने गायों का दूध पिया, क्योंकि उन गायों की भी इच्छा थी कि मैं हम काश कृष्ण को दूध पिला सकें। और एग्जांपल लेते हैं महाभारत से भीष्म पितामह का, जो कृष्ण के रथ में वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। सो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब वो बाण चला रहे थे तो बाण कृष्ण को ऐसे लग रहे थे कि उनके दिव्य शरीर से रक्त तो बह रहा था, पर ऐसा वो भीष्म देव के प्रेम को स्वीकार कर रहे थे। भगवान को उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर फूल फेंकते हैं। एंड देन भगवान जब रथ का पहिया उठाकर भीष्म देव की तरफ दौड़ रहे थे तो भीष्म देव आह्लादित हो उठे और उनके इस स्वरूप को देखकर उनको नमस्कार करते हुए खुद को उन्होंने समर्पित कर दिया। कोई और एग्जांपल किसी को याद है? अक्रूर जी। अक्रूर जी की इच्छा थी कृष्ण को मिलने की, अनवन कंसा टोल्ड हिम, कंस ने बोला कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, तो अक्रूर जी बहुत खुश हुए, बड़े आह्लादित हो गया कि फाइनली उनको जो है कृष्ण से मिलने का मौका मिलेगा उनकी, और कृष्ण जो है वो उनकी भावनाओं को समझेंगे और मैं क्या करूंगा, मैं जाते सार उनके चरण कमलों की वंदना करूंगा। तो इस प्रकार की जब उनकी इच्छा हुई और उन्होंने करना चाहते थे तो वो मथुरा से जो ही वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने ब्रज में
कृष्ण के चरणों के चिन्ह देखे और वो उन्हीं को ही देख के ब्रज के उनके चरण कमलों को देखते सारे उसके ऊपर वो लोटपोट होने लगे। जैसे कि ये वाला इन्होंने एग्जाम्पल वो दिया है 4.11 में, मैं इसको ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि, कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूं। तो इसीलिए उनको बोल रहे थे अर्जुन को कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन, तो जिस प्रकार से भगवान को भजता है भगवान उसी से उसके साथ संबंध रखते हैं। वास्तव में कोई जीव कृष्णा से अलग नहीं है क्योंकि हर कोई तो कृष्णा का अंश है, तो इसीलिए हर व्यक्ति को जो ये या तो मटेरियल इच्छा होती है, भौतिक इच्छा होती है, या वो आध्यात्मिक इच्छा होती है, और जब उसको आध्यात्मिक इच्छा हो रही होती है ना तो उस टाइम भगवान बहुत खुश होते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं श्रील प्रभुपाद का, जब वो भारतीय विद्या भवन में मुंबई में आए तो उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु जी से बोला कि ये लोकेशन जो है ना ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो उनके जाने के कुछ समय बाद ही वहां पे राधा गोपीनाथ का मंदिर प्रकट हो गया। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, एक इच्छा की, भौतिक इच्छा की या आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, और उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान वहां प्रकट हो गए। तो भगवान के जो भक्त का जो आदान प्रदान है, भक्त के भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा रहती है और भगवान को भक्त की। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने हिरण्यकशिपु को कहा कि मेरे भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंभे में, इस जगह पे, इस जगह पे, इस खंभे में, हाँ इस खंभे में, इस खंभे में। और भगवान ने क्या किया, इतना विकराल रूप, नरसिंहदेव का रूप लिया और वहां प्रकट हो गए। क्या बताने के लिए आए, कि मैं अपने भक्त के वचनों को कभी भी झूठा नहीं जाने देता। श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन को विश्व में फैलाया। श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करने जब इंडिया में प्रचार कर रहे थे तो उस समय वहां पे उन्होंने बहुत सारे सीनियर लोगों से मिले और उन्होंने बोला कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। पर श्रील प्रभुपाद के इस नजरिए को लोग समझ ही नहीं सके, पर भगवान तो समझते थे कि प्रभुपाद के दिल में क्या है। और उन्होंने प्रभुपाद ने पूरे विश्व में, आप देखो कि भगवान ने ऐसी अनुमति दी, ऐसा कृपा की उनके ऊपर कि पूरे विश्व में हरि नाम से कीर्तन को फैला दिया। आज आप किसी कोने में वर्ल्ड के चले जाओ, किसी कोने में आपको मंदिर मिलेगा ही मिलेगा, मंदिर नहीं मिलेगा तो सेंटर मिलेगा, और नहीं मिलेंगे तो डिवोटीज तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो आप जहां पे भी जाते हो आपको अगर, और स्पेशली जब आप जैसे इंडिया से या हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो कहीं जाके कोई एक आपको हरे कृष्णा भी बोल देता है ना, तो आपका आपका मन ऐसा खुश हो जाता है ना, उस टाइम लगता है कि इस दुनिया की सारी दौलत हमको यहीं पे मिल गई। इतना अच्छा लगता है कि ये भक्त मिल गया एक। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो और उसका इस्कॉन का निर्माण हो गया था, तब इस्कॉन का स्वरूप जो था वो बड़ा नहीं था, छोटा सा था। पुस्तक वितरण करने के लिए बुक्स भी उनके पास ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे श्रील प्रभुपाद को थर्ड अटैक आया था। दो अटैक्स हमको पता है कि जो उनको जलदूत में आए थे जब वो जा रहे थे, तो आप देखिए कि उस टाइम पे भी बिना डॉक्टर के जलदूत में वो बच गए थे।
और इधर भी लोग डिवोटीज उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, पर प्रभुपाद ने मना कर दिया था, वो नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल। इंस्टेड उन्होंने जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने उनको जो है एक बीच के पास में एक रूम लिया था, वहां पे उन्होंने डिसाइपल्स को बोला वहां थे। तो उनके जब शिष्य थे वो बोलने लगे कि प्रभुपाद हम तो नौसिखिया हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो अब हमारा क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको सिर्फ यही कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं सरवाइव करूं, देन यू प्रे टू कृष्णा, आप कृष्णा से प्रेयर करो। प्रभुपाद लीला अमृत में एक चैप्टर आता है, आवर मास्टर हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो सभी ने उस टाइम पे अनन्य भाव से शिला प्रभुपाद के लिए प्रार्थना आरंभ कर दी, और भक्तों की इस प्रार्थना से शिला प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो गया। तो हम देखते हैं कि भक्त जब आध्यात्मिक डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, तो भगवान उसको पूरा करते हैं और भगवान इसमें आनंद भी लेते हैं। अगर चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल लें हरिदास ठाकुर का, वो क्या चाहते थे, अपनी जो देह है वो चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए त्यागना चाहते हैं, और भक्त के लिए भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, और शुद्ध भक्तों की इच्छा तो विशुद्ध होती है, वो एक मिनट भी भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं करते। तो जैसे यहां बोला प्रभुपाद ने यही यथा माम प्रपद्यते, जो जैसा कोई इच्छा करता है भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, बिकॉज हम तो कृष्णा के अंश है, बट मायावश हम कृष्ण को अपने स्वरूप को नहीं जानते और हमारी बुद्धि भौतिक कामनाओं में लग जाती है, और भगवान को देखकर वो प्रकृति को देखते हैं, वो प्रकृति के पीछे कौन है उसको नहीं देख सकते, बिकॉज उसकी बुद्धि माया से आच्छादित होती है उस टाइम पे। लाइक अगर कोई जीव जो है इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के कामना करता है, तो वो उस टाइम संसार की वस्तुओं से संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, बट वो ये नहीं देख पाता कि प्रकृति के पीछे, इस शक्ति के पीछे शक्तिमान कौन है। इसको जानने के लिए जीव को विशुद्ध बुद्धि या ज्ञान और चाहिए, और वो अभी तो अज्ञान में है, बिकॉज ही इज थिंकिंग आई एम दिस बॉडी। मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है जो मिथ्याहंकार के द्वारा प्रेरित होती है, और जीव इनको पूरा करने का भरसक प्रयास करता रहता है। वो क्या है, वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे अपने को संतुष्ट करना चाहता है। ये तो प्रभुपाद बोलते हैं ये तो कुत्ता बिल्ली भी वही कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। आज की लाइफ में अगर देखें तो पॉलिटिशियंस वो क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास चाहते हैं, ना कि आध्यात्मिक विकास। एंड ये लीडर्स ये नहीं समझ सकते कि आर्थिक विकास जो है वो जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता। हम देखते हैं ना, जब शिला प्रभुपाद यूएस गए थे तो उस टाइम में इंडिया की कंडीशन एज फार एज आर्थिक विकास इज कंसर्न, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न, इट वॉज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी इतनी। पर यूएस पूरी तरह से डेवलप था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, पर क्या ऐसे में वहां के बच्चे हिप्पी नहीं बने हुए थे, वो क्या कर रहे थे, वो नशा कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, पुलिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्योंकि ना वो स्कूल जा रहे थे ना वो घर जा, वो कॉलेज जा रहे थे, घर छोड़कर इधर उधर पड़े रहते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब जीव आध्यात्मिक उन्नति को नहीं जानता, वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, एंड दैट टू जब आर्थिक उन्नति और जब आपके पास पैसा है देन आपकी डिजायर्स और भी बढ़ जाती है। जो जीव भौतिक अभिलाषाओं को तृप्त करने कर आध्यात्मिक जो अभिलाषाएं हैं जो तृप्त कर रहा होता है अपनी भौतिक
अभिलाषाओं को, तो वो आध्यात्मिक जो अभिलाषाएं हैं उनको वो कहीं पीछे छोड़ता जाता है, वो भूल जाता है. Why? Because of lack of guidance. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्ण मोमेंट जब लॉस एंजलिस में था, तो उसने बहुत से हिप्पी उस टाइम पे मंदिर में आने लगे, और मंदिर में आके उन्होंने लाइफ को समझा, एंड ऐसे बहुत से लीडर्स बन गए. सो जब जीव की दृष्टि जो है वो माया से आवृत रहती है, तब तक वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता रहता है, बट वो कर नहीं पाता, बिकॉज शरीर तो नश्वर है, असत है, और आत्मा नहीं, आत्मा तो नहीं है ना, आत्मा सत है, बिकॉज आत्मा का संबंध कृष्ण से है. तो जब जीव की चेतना सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से में आवृत रहती है, तब तक वो भगवान को नहीं देख सकता. कुंती महारानी ने अपने प्रेयर्स में बोला ना, माया जवनिका अनच्छम अनदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टो नटो नाट्य धरो यथा. मीन्स शी सेइंग की जो इसका वो पढ़ती हो, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे के पीछे ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है. आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान नहीं आता. जब हम किसी अभिनेता को देखते हैं तो हम उसके उसी रूप को हम समझते हैं, बट वो तो एक्टिंग कर रहा होता है. तो यहाँ पे भी वही है, श्री सिंह की जो आपके भक्त नहीं है उनकी आईज जो है वो माया से आवृत रहती है. जो ज्ञानी नहीं है वो इस प्रकार को से नहीं देख सकते कि प्रकृति आप से है और आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, बट स्टिल यहाँ पे अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हो. बुद्धिमान लोग जड़ से चीजों को जानने का प्रयास करते हैं. अभी क्या होता है, किसी को अगर बुखार है तो डॉक्टर सिर्फ उसको बुखार की गोली नहीं देता, वो ये भी देखता है कि किस वजह से उसको बुखार है. इसी तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेंगे कि इस प्रकृति के रचयिता कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, तो यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है. वेदांत सूत्र का पहला श्लोक ही यही है, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा. इंटेलिजेंट मैन विल ऑलवेज ट्राई टू गो टू द बेस, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, ही विल ट्राई टू नो. वेदव्यास जी ने परम सत्य की व्याख्या की, उन्होंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को जनित करने वाला और प्रकृति को जानने का प्रयास करता है. साधक भक्त हमेशा द्वंद में रहता है कि वो अपनी मटेरियल डिजायर्स को पूरा करे या अपनी स्पिरिचुअल डिजायर्स को, बिकॉज हृदय से संपूर्ण इंद्रिया तृप्त की इंद्रियों की जो तृप्ति है वो अभी तक नष्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूंगा फिर भगवान की ओर जब तक जाऊंगा. तो जब तक ये द्वंद चलता रहेगा वो भक्ति में प्रगतिशील होता रहेगा, बिकॉज ये साधक भक्त के लक्षण है कि वो निरंतर प्रयत्नशील होता है, वो माया से संघर्ष करता रहता है, हमेशा भगवान तक आने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और दिन वो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा. पर जब हम इस संघर्ष को त्याग ही देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम अपने पूर्ववर्ती जीवन में जाने लगते हैं. इसीलिए हमको अपने मन को कंट्रोल में करना है, बिकॉज मन में जैसे ही इच्छा जागृत होती है बाकी इंद्रियां उसी टाइम पूरी की पूरी एक्टिवेट हो जाती हैं. भगवान कहते हैं कि जीव अपने मन को मन के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, या फिर उसका डाउनफॉल भी उसी के द्वारा हो सकता है. तो और डाउनफॉल के लिए उसको गिरने के लिए उसको किसी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती. अभी हम देखते हैं ना, पानी है, जल का बहाव हमेशा नीचे की तरफ आता है, कोई झरने को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, झरना बन जाता है.
बट अगर आपको पानी ऊपर को लेके जाने हैं, हम अपने इंडिया में तो जैसे टैंक्स ऊपर हम लोग के लगे होते थे, तो क्या होता था, मोटर चलाते हैं पानी को ऊपर डालने के लिए, तो फोर्स चाहिए होता है। इसी तरह हम अपने मन में सही इच्छा करने से, जैसे उद्धव जी ने इच्छा की कि भगवान का संगी बनने के लिए, और भगवान ने वो इच्छा पूरी की, इसी तरह अगर हम गुरु को, वैष्णवों को सर्व करना चाहते हैं, तो भगवान हमारी भी आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। वस्तुतः जो भक्त उन्नत होता है वो आध्यात्मिक इच्छा करता है, पर अगर कोई भौतिक इच्छा भी करता है और वो भी उसकी आध्यात्मिक उत्थान के लिए होती है, बिकॉज इस संसार में वो देखता है कि सारी चीजें जो है वो कृष्ण के द्वारा ही प्रेरित है, प्रकट हुई है, और ये दृश्य जगत भी कृष्ण का ही एक अंश है। कई बारी हम आध्यात्मिक इच्छा करते हैं, बट उस इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, हालांकि भगवान कष्ट नहीं देना चाहते, ये बेसिकली उनकी अगर कहें तो विशेष कृपा होती है, या बेसिकली हमारी भौतिक इच्छाओं को काटने के लिए होता है। भगवान इस प्रकार अपनी कृपा दिखाते हैं, उनको देते हैं। कृष्ण जानते हैं हमारी बद्धावस्था को, और ये जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही हो, वो हमारे संचित कर्मों को भी जानते हैं जो हमने अभी तक इकट्ठे करके रखे हैं, वो हमारे कर्मों और विकर्मों को काटने के लिए अपनी कृपा को हमको प्रदान करते हैं। इसीलिए कोई भी अवस्था हो हमारी, अच्छी या बुरी, स्टिल हमको उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि इंसान के साथ बहुत बुरा होता है, या कोई उसका अपना चला जाता है, तो वो सारा छोड़ देता है कि भगवान मैंने तो तुम्हारी इतनी पूजा की, क्या किया तुमने मेरे साथ, नहीं ये गलत है। सो समटाइम्स वी टेल आर प्रॉब्लम्स टू द लॉर्ड, और प्रॉब्लम्स के साथ हम उनको साथ साथ सॉल्यूशन भी भगवान को दे देते हैं, उनको बताने लगते हैं, तो हमको ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताना है। कई बार तो हम सोचते हैं अगर हम एक 99% लोगों की यही मानता है कि जो लक्ष्मी है ना वही प्रॉब्लम है, अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बट कृष्ण को पता है कि उसको कैसी कृपा देनी है, उसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कृष्ण तो विराट है और वो हमसे प्रेम भी करते हैं, और वो प्रेम किस प्रकार प्रकट होगा उसको हम नहीं समझ पाते, वो केवल कृष्ण ही जानते हैं। हालांकि अगर कोई भक्त है तो वो कृष्ण की कृपा को समझ जाता है एंड सेड कि यस कृष्णा शायद आप यही चाहते थे। तो इसीलिए हमको जो भागवत है मैं ये निरंतर हमको प्रेरणा देती रहती है, हमको इससे प्रेरणा लेकर निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक इच्छा करें, बिकॉज उससे भगवान प्रसन्न भी होंगे और हमारी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। और इस प्रकार कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि मेरी भक्ति इस संसार में होती रहे, और मेरे भक्त जो है वो मेरे धाम वापस आ जाए, बिकॉज कृष्ण तो हमारे पिता हैं, और कोई भी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं दे सकता। पिता चाहता है कि उसका बालक जो है वो जानते हैं इस टाइम पे कि उनका बालक कहीं खो गया है, तो वो वापस उसको घर लाने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए जो आज हमको श्रील प्रभुपाद ने, अपने गुरु महाराज ने, हमारे सीनियर डिवोटीज ने ये ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। भगवान 10.10 में बोलते हैं ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयाति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान हमको अपने शब्दों के द्वारा प्रेरित करते रहते हैं कि हम इच्छा केवल आध्यात्मिक करें, ना कि भौतिक, बिकॉज वो ही सर्वोच्च इच्छा है, और अपनी भौतिक इंद्रियों की कामना को कम करें। हम जिस अनुपात में अपना भौतिक इंद्रियों की कामनाओं को कम करेंगे और आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाएंगे, तो उसी से
कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमको प्रदान करेंगे। तो भागवतम के इस श्लोक में भगवान उद्धव जी को संबोधित कर रहे हैं कि और बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है अपने पूर्व काल में आपने इच्छा प्रकट की थी और मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं। तो सिमिलरली हमको भी इससे लेसन लेते हुए कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा करनी है कि जिससे मैं भगवान को खुश कर सकूं। हरे कृष्णा, नमस्ते नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू सो मच फॉर बहुत अच्छे से आपने माता जी आज का जो क्लास है उसको आपने अटेंड किया माता जी। एंड द मेन जो आज का जो श्लोक में जो जो क्रंच पॉइंट है कि जो हमारी इच्छा है उसको कैसे हम भगवान की तरफ डाइवर्ट करें, सो दैट वाज मेन पॉइंट आपने आज के क्लास में कवर किया माता जी। आई हैव वन क्वेश्चन माता जी, अगर आप जी एंड प्लीज द सीनियर डिवोटीज प्लीज डू हेल्प मी। जी प्रभु जी, आप दैट जैसे कि हम इस भौतिक संसार में हैं एंड हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज हम हर समय करते हैं एंड मतलब हमारा नॉर्मली हमारा पूरा दिन जो है अगर हम देखे जाएंगे हमको जो 24 आवर्स मिलता है तो नॉर्मली हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम मतलब भौतिक कार्यों में हमारा ज़्यादा समय लगता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब जो भी हमारी इच्छा है वो हर समय हम डाइवर्ट नहीं कर पाते भगवान की तरफ एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत कुछ परेशानी वगैरह। सो एट दैट टाइम हाउ मतलब हम कैसे हमारे मतलब ज्यादा जो चीजें हैं हम कैसे भगवान की तरफ मोड़े। इट्स लाइक आज के समय में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो जैसे कि हम ऑफिस में बैठते हैं 8-10 घंटा बैठते हैं तो ज्यादा समय हम मतलब फोकस पूरा काम के ऊपर ही रहता है अदर देन कि हम भक्ति को उसमें जोड़े। सो हाउ वी कैन मैनेज ऑल दिस थिंग मतलब। प्रभु जी विद माई लिटिल नॉलेज आई विल ट्राई टू आंसर कि जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब क्या करते हैं जब हम उठते हैं और आपने देखा होगा कि इंडिया में पहले तो रेडियो ट्रांजिस्टर्स और वो सब थे या आज गाड़ी में बैठते हैं तो जो ही आप ऑन करते हो या बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है कि कोई ना कोई सॉन्ग बज जाता है और वो सॉन्ग क्या होता है वो सारा दिन आपके मस्तिष्क में चलता रहता है। तो इसी तरह अगर हम सुबह उठते सार फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप नहा धो के या हाथ मुंह धो के ब्रश करके अगर हम 4 माला 2 माला जितना भी हम कर सके ना अगर वो सिंसेरली बैठ के अगर हम कर लेते हैं ना तो वो हमारा फर्स्ट थिंग होता है, वो हमारे माइंड में वो चलता रहता है। और जैसे जैसे हम आगे दिन को बढ़ाते रहते हैं वी शुड ट्राई कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं ना उससे पहले ही आप भगवान को उसको अर्पण करना शुरू कर दो। तो जब हम वो कर देते हैं ना कि जैसे आप घर से भी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो भगवान मैं आपके अंशों के लिए आपकी सेवा हो सके इस घर में उनके पूर्ति के लिए जो है मैं ये कमाने जा रहा हूँ तो इसमें आप मेरी हेल्प करिए। हम जहाँ पे भी बैठे हैं सारा टाइम हमारे वो दिमाग में जो है आप कृष्ण को सेंटर में रखते हुए एक टाइम में अगर हम वो कर देते हैं तो इट बिकम्स अ हैबिट। हम जैसे कोई भी खाना आप प्रसाद पाएंगे तो वो आपको इमीजिएटली वो आ जाएगा। आप 4 लोगों के साथ में बैठे हुए खा रहे हैं तो इमीजिएटली आपको ध्यान आ जाएगा कि ये जो है ये मेरा ऑफर्ड प्रसाद है एंड यू विल से कि प्रभु जी आप लेंगे प्रसाद या माता जी आप लेंगे तो उससे क्या होता है आपकी मेमोरी में एक बारी फिर फिट हो जाता है कि यस मैंने ये कृष्ण प्रसाद है और वो भी कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे
या आपको वो आपका तिलक लगा हुआ है या कड्डी है या किसी तरह से कुछ भी है, कोई ना कोई एक आपको बीच में पूछ लेता है। तो ये हमारी रिमेम्बरेंस के लिए वो बहुत होती है कि हमारी जो भूल गए या वो। एक बार अमरेंद्र प्रभु का मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि 15 मिनट के बाद या एक आप अपने उसमें कुछ अलार्म लगा लेंगे या कुछ ऐसा वो कर लें कि मैंने एक बार ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है या कुछ ऐसे करना है। एक कुछ ऐसा था उनका, बहुत पहले मैंने सुना था, मुझे याद नहीं, कुछ ऐसा था कि आप कहीं पे भी है ना तो धीरे से आपका थोड़ा सा एक बच जाएगा ना तो वो आपकी कंटिन्यूएशन में आपका चलता रहेगा। तो आप अगर बाद में अलार्म नहीं भी लगाएंगे ना तो आपको वो याद आ जाएगा कि अरे आधा घंटा हो गया, मेरे को एक बार ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। तो बड़ी छोटी छोटी चीजों को ही हम आपको अपने लाइफ में उतार के ही हम आगे बढ़ सकते, क्योंकि हम 84 लाख योनियों से निकल के आए हुए हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आज भक्ति करना शुरू करें और कल जो है हमारे कृष्ण पूरी तरह हम कृष्णमय हो जाए, नहीं पॉसिबल है। हम अपनी भौतिक उसको भी नहीं त्याग सकते, बट क्या करते हैं कि जो भी सामान लेके आते हैं, आपका जो भी ट्रॉली आई, आपने बैग लेके आए, ग्रोसरी शॉपिंग करके लाए, भगवान के सामने रख दिया कि ये कृष्णा मैं आपके लिए लेके आया। तो वो जो भी है, हम कुछ कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारते उतारते ही हम आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे और माला करने से, और आप लोग तो इतने अच्छे से सारा का सारा ये डेली का, जैसे हम लोग नित्य भागवतम है, भगवद गीता है, तो ये सब जब हम सुनते रहते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो है ये ऑटोमेटिकली अंदर से साफ होता जाता है और कृष्ण की रिमेम्बरेंस होती जाती है। आप ऑफिस में भी कहीं अपने छोटे से, इफ इट इज कन्वीनियंट टू यू, एक छोटी सी फोटो या हरे कृष्ण महामंत्र एक कोने में भी आप लिख के रख देंगे ना तो वो डेस्क पे जहाँ पे भी आपकी नजर पड़ेगी वो वहीं पे आपको एकदम वापस उनको स्ट्राइक कर लेंगे, तो वो भूलने का मौका कम देंगे। वापस आते हुए गाड़ी में जो ही बैठे तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, आई नो आप लोग वो नहीं कर रहे होंगे, तो अपने महाराज की या कोई भी, आप यूट्यूब पे तो भरा हुआ है इस टाइम हमारा इस्कॉन डिजायर्ड्री, थैंक्स टू द टीम कि उन्होंने इतना कन्वीनियंट कर लिया है या और डेली का हमारे पास इतने अपडेट्स आते हैं और वो आते हैं, तो बाय द टाइम वी रीच होम हेडफोन लगाएंगे वो करें तो वो ऐसे सुनते सुनते आएंगे, तो धीरे धीरे हमको आदत पड़ जाती है। अभी आपको फिर मन ही नहीं करेगा कि कोई कहीं गाड़ी में कोई बैठेगा अपने जिसने लगाया होगा, यू विल स्विच इट ऑफ एंड यू विल से कि चलो एक मैं आपको ये सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा है उनका, या भजन आया या कीर्तन आया, तो वो उससे आपका चलता रहेगा। प्लीज प्रभु जी एंड माता जी आप लोग प्लीज कुछ ऐड करिए, मेरे को इतना तो नहीं बताना आता, दिस इज व्हाट आई कुड फील दैट वी कुड डू। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, आपने मतलब बहुत अच्छे से वो दो तीन पॉइंट आपने ऐड किए कि हाउ मतलब हम कैसे एक छोटे छोटे पल को हम भगवान कृष्ण में जोड़े और हमारी इच्छाओं को भगवान कृष्ण की ओर मोड़े, तो दैट वाज अमेजिंग माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी वंस अगेन फॉर वंडरफुल क्लास, एंड आपका जो हिंदी माता जी, हिंदी में इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आप बता रहे थे माता जी, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन माताजी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, एंड प्लीज मैं, मेरे से जो भी मिस्टेक्स हुई हैं वो सब गलतियां मेरी अपनी हैं, और जो कुछ भी किसी को अगर एक आध पॉइंट भी अच्छा लगा है तो वो सब मेरे सीने उसका गुरु महाराज का ही ब्लेसिंग्स है, उन्हीं के जो वचन है उनको ही सुन के मैं कॉपी पेस्ट किया है आपको, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है प्रभु। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मेरे को ये सेवा दी। सनातन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, और मतलब एब्सोल्युटली अपने हर पॉइंट को अच्छी तरह से कवर किया माता जी। जस्ट एक दो चीज मैंने जो सुनी थी वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ। हमारे जो जगन्नाथ मंदिर के जो प्रभु जी है वो मतलब बोल रहे थे कि भगवान का जो ये है, भगवान सभी जो जीव है उनको खुश करने का भगवान प्रयत्न करते हैं सभी जीव का। तो उसके लिए बोल रहे थे कि मतलब निराकार जो आदमी है जिसको भगवान को निराकार देखते हैं तो भगवान फिर उसके सामने कभी प्रकट नहीं होते। तो बोलते कि तुम खुश हो ना कि मैं जो मुझे नहीं देखना है कि तो मैं ठीक है, मैं तुम्हारे सामने निराकार में आता हूँ। जो भगवान पे बिलीव ही नहीं करते, नास्तिक जो लोग रहते तो भगवान उनके सामने आते नहीं है, क्योंकि बोलते तुम खुश होना चाहिए, तुमको
तुम भगवान पे बिलीव नहीं करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और जो भक्त है जो भगवान पे बहुत प्यार करते हैं तो फिर भगवान उनके सामने आ जाते हैं। तो वो प्रभु जी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब एक्चुअली क्या है कि भगवान हर एक की इच्छा पूरा करते हैं। हर एक जिस लेवल पे भगवान को जानना चाहते हैं या भगवान को ना नहीं जानना चाहते, भगवान उसी तरह उसकी तरह हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। तो वो मुझे एक जस्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था। और सर्वदे गिरधरी प्रभु जी ने जो सवाल पूछा था, तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था एक उनके टाइम पे। तो वहां पे वो बता रहे थे कि आप जो जो जॉब कर रहे हो उस जॉब से जो भी आपका जो फाइनेंशियल आपका जो आपको इनकम है, वो अगर भगवान के मंदिर के लिए भगवान के प्रसाद के लिए अगर आप यूज करते हो तो फिर आप ये जॉब है वो भौतिक जॉब नहीं होती है, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे ही होती है। तो मतलब वो प्रभु जी ने मतलब प्रभुपाद वो लेटर लिख रहे थे, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि तुम्हारी तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल जो इनकम है वो जो भी तुम अर्थार्जन जो कर रहे हो वो अर्थार्जन का अगर अच्छा यूज है भगवान के लिए यूज है तो फिर तुम्हारा जॉब जो है वो भौतिक नहीं है, फिर वो जॉब तुम्हारा स्पिरिचुअल है। तो मतलब हम लोग अगर करते हैं उससे उससे अपना जो भी हम इनकम कर रहे हैं और वो हम लोग भगवान के लिए यूज कर रहे तो फिर वो हम लोग का ऑटोमेटिक वो हम लोग जॉब बोलते हैं ना वो भौतिक नहीं हो जाएगा। ये सब प्रभुपाद जी ने एक लेटर मैंने सुना था प्रभु माता जी। थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी ऑन बोथ योर पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मैं परसों भी किसी एक क्लास में मैं यही बता रही थी कि जो नास्तिक है वो भी भगवान को बहुत अच्छे से याद कर रहा है बेसिकली कि मैं तुमको नहीं मानता नहीं मानता, तो वो कहीं ना कहीं वो भगवान की अस्थि को ना मानने के लिए भगवान को याद कर रहा होता है। और ये प्रभुपाद का तो बिल्कुल ही ठीक पॉइंट उन्होंने बता दिया, क्योंकि हम लोग अगर जब अर्निंग करते हैं तो फर्स्ट सैलरी निकाल के हम पहला कुछ भगवान के पहले तो पूरा हैंड पैकेट आता था, बट अभी तो सारा बैंक पे जाता है, तो वो टाइप ऑफ वही विड्रॉ तो वो पहला वाला ही आप भगवान को देते हैं तो भगवान को भी वही प्रसन्नता रहती है क्योंकि देने वाले भगवान है। एंड व्हेन वी से कि यस इससे आपका ही आपके मंदिर का आपकी ही सेवा हो सके, इतना ही बरकत करिएगा कि आपके ही अंशों को मैं पूरी तरह से और वैष्णवों को भक्तों को मैं इसकी सेवा कर सकूं, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन होती है उसकी। यस माता जी, यस, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, फिर शंभर प्रभु जी, एंड एक और भी है गेस्ट करके आ रहे हैं उनका। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, तो काफी बहुत ही सुंदर थे माता जी आपके दो। जैसे आपने बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त जिस वक्त प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए, उस वक्त भारत का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं था लेकिन अमेरिका का काफी अच्छा डेवलपमेंट था इकोनॉमिक, लेकिन फिर भी वहां पर लोग हैप्पी थे और उनको जाकर के एक आध्यात्मिक शक्ति यानी प्रभुपाद जी ने ही जाकर के उनको सही किया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो हमको इसे तो ये सब कुछ पता चलता ही है कि जो भी है आध्यात्मिक इच्छा से ही हमारा सब कुछ पूरा हो सकता है, ना कि भौतिक डेवलपमेंट से। ये आपने जो पॉइंट किया ये काफी अच्छा है प्रचार के लिए, हम सब को बता सकते हैं। और माता जी ये भी आपने यहाँ पर बताया कि कई लोग भक्त लोग होते हैं जो कभी कभी अंदर तृप्ति में भी लगे रहते हैं और कभी कभी भगवान की भक्ति में भी लगे रहते हैं और सोचते हैं कि लक्ष्मी ही सब कुछ है, लेकिन भगवान उनको वैसी कृपा करते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। और माता जी एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखो एक चीज मैंने पढ़ी थी उस पर ये था जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, हर को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा प्रकट करने की छूट है किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है, हर की सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर परम इच्छा जो शब्द है वो भगवान के लिए क्या कहा गया है या जो परम इच्छा मतलब भक्ति के लिए कहा गया है? नहीं प्रभु जी, ये भगवान के लिए ही है,
कि हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर होती है। परम इच्छा या परम परमेश्वर उनके ऊपर ही निर्भर है। मैंने लेक्चर में भी यही कहा कि हम डिजायर कर सकते हैं, बट पूरा सिर्फ वो परमपिता ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ही है सब कुछ, हमारे हाथ में बेसिकली कुछ भी नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसीलिए अपनी इच्छा को ऐसा डोटेल करो कि आध्यात्मिकता की तरफ जाए, ना कि आर्थिकता की तरफ, या हम ग्लैमर की तरफ ना मुड़ के। अगर हम आध्यात्मिक करते रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक से क्या होता है कि बेसिकली हमारी जितने जो हम साधु संग कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो इट एनहेंसेस आर स्पिरिचुअलिटी। हम उनके साथ जितना करते हैं, तो हम अपनी जितना भगवान से यही मांगते रहेंगे कि वैष्णव को संग मिलता रहे हमको और ये करें, तो वो इच्छा भगवान पूरी करते हैं। उद्धव जी की उनको संगी बनाया, और कितने एग्जांपल्स जैसे गोपियों का, सुदामा जी, सबको सबका वो दिया उन्होंने। तो ये परम इच्छा जो है कृष्ण का ही वो है, एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग प्लीज प्रभु जी, और जो मैंने सुना है। थैंक यू माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जया हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, जनरल प्रणाम माता जी। बहुत ही अच्छा क्लास था आपका, और सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आप हमेशा बताते हो। जस्ट एक ही जो प्रश्न प्रभु जी ने पूछा था, उसी के ऊपर जस्ट मैंने जो आपने जैसे कहा, उस पर जस्ट मैं एक एडिशन करना चाहती थी कि मेरे यस माता जी, क्योंकि जैसे आपने कहा था, अगर कुछ कोई किसी को एडिशन करना है तो उसी हवाले से, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि माता जी, मतलब करियर वाइज हम भी काफी जॉब्स ऐसे चेंज करते रहते, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि कभी कभी हम हताश भी होते हैं कि ये सब तो हमें उसमें हमारा दिल नहीं लगता उसमें, क्योंकि हम जब भक्तों के साथ हम जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, या हम जब मंदिर में सेवाएं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये ही अच्छा लग रहा है, तो हम यही करें, और मतलब ऑफिस में तो मन ही नहीं लगता। तो जैसे प्रभु जी ने पूछा था कि ये हम कैसे फिर उस वक्त हम कैसे ध्यान लगाएं काम में, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने एक बार ये पढ़ा था कि गीता में, कि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी हम अर्न करते हैं, जो तो कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद उस पर्पट में बताते हैं कि उसके कितने परसेंटेज हमें मतलब देना है भगवान के कार्यों में, मंदिर में देना है। तो फिर वहां से मतलब जब भी मैं वो याद करती हूँ ना, कि तो मुझे फिर मींस अपना कोई भी काम हो, और कई बार हम कितने काम करते हैं, हमको जैसे लगता है कि सैलरी के नाम पे हमको पीनट्स दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, हम इसके लिए बने हैं क्या? तो हमको लगता है कोई बात नहीं, अगर प्रभुपाद जी ने लिखा है गीता में, चलो भगवान आपको पीनट्स भी जितना भी हमको मिलेगा, थोड़ा हम अपने उसके लिए पोषण के लिए रखेंगे, और जो भी उस पीनट्स में भी जितना भी मिलेगा वो भी हम आप ही को देंगे, तो हम वो काम कर पाते हैं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एक काम छोड़ के फिर दूसरा, जितने भी हम काम, तो ये एक मोटिवेशनल फोर्स बन जाता था उसमें, क्योंकि वो वहां पर लिखा हुआ था कि प्रभुपाद जी ने लिखा है तो हमें वो करना है, वो ऐसे। तो जस्ट मुझे ये शेयर करना था कि ये वैसे तो बोरिंग लगता है काम करना माता जी, और उसमें से जो पीनट्स मिलते हैं, लेकिन जब ये एक फोर्स होता है कि प्रभुपाद जी ने कहा है और वो हमें करना ही करना है, उनके वचनों को पालन करना है, तो वो थोड़ा इजी लगता है, और काम भी ऐसा करें जिसमें हमें मन लगे, तो फिर तो मतलब लगता ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, फिर तो हर वस्तु पूजा ही हो जाती है, क्योंकि हमें पता है हम भगवान के जब हम, और जब वो सैलरी मैंने जब मंदिर में थी, जो संतुष्टि मिली, मतलब उससे बड़ा कुछ लगा ही नहीं। तो यही जस्ट शेयर करना था माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। जैसे रूप गोस्वामी ने बोला हुआ है कि अपना, उन्होंने बताया था कि 50% आपको भगवान को, 25% आपके फैमिली, और उसके 25% आपकी इमरजेंसी के लिए, बट हम डिवीजन अब वो वाला नहीं कर सकते, बट यस हम अपनी इच्छा से जितना हम अपना कर सकते हैं बेटर, क्योंकि क्या होता है कि भगवान के लिए आप जितना निकालते हो आपका कोई कमी नहीं आती, भगवान उसको कमी नहीं करने देते, आप जितना भगवान की सेवा के लिए भी निकालते हो, उस ऊपर से आपका आपका जो अंदर से आपको इतनी खुशी मिलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो चीज आपको लगता है कि यस यू कुड डू वन समथिंग फॉर हिम, क्योंकि हम करने वाले कहाँ हैं, बट वही है ना, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो उसको पापा ने ये चॉकलेट खरीद के दिया और उसने बोला
कि फर्स्ट बाइट उसने बोला कि पापा आप खा लो, तो वो कितना खुश हो जाता है घर आके अपनी वाइफ को भी खाने के, देखा मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, आज उसने पहले मेरे को दिया है, मेरे को कितना प्यार करता है, तो वो लेके भी वही दे रहा है। तो अगर हम भी जो कमा रहे हैं, जो इस चैनल में खा रहे हैं, वो सब भगवान का भगवान को देते हैं, वो चीज हम उनको ऑफर करते हैं, तो सेम उनका भी तो वैसे ही होगा। दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू सो वेरी माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस माता जी। मैं खाली यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे जो आज का श्लोक ही है डिजायर पे, देखते हैं कि जैसे इवन जो बलि महाराज की बहन थी, उन्होंने डिजायर किया कि इस क्या वाह कितना सुंदर बच्चा है, मुझे इसे दूध पिलाना चाहिए। एंड जैसे ही उन्होंने फिर वो विशाल रूप ग्रहण किया और बलि महाराज को दबा दिया, तो शी वाज सो एंग्री, बोला इस ऐसे बच्चे को तो मार देना चाहिए। तो उसका जो वो डिजायर था दैट वाज कंबाइंड एंड शी बिकेम पूतना। और यही डिजायर जो है ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है हम लोगों को, चाहे मटेरियली हो स्पिरिचुअली हो, हम लोग इस भौतिक जगत में हैं भी इसीलिए क्योंकि हमने इच्छा की थी, इट वाज आवर डिजायर। और आज जो भी हम लोग परेशानी सहन कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है वट एवर इज हैपनिंग बैड, इट इज बिकॉज समवेयर वी हैव डिजायर्ड समथिंग एंड एज ए रिएक्शन वो हम लोग को मिल रहा है। और हम लोग भगवान को कोसते हैं, अरे भगवान ये तूने क्या किया, भगवान का इसमें कुछ भी नहीं है। भगवान बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब जो तुम लोग की इच्छा है। तो अवर दिस डिजायर शुड बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस, और स्पिरिचुअली हम लोग को इसको जितना हो सके हम लोगों को इसको यूज करना चाहिए, रादर देन मटीरियली यूजिंग दैट। क्योंकि ये बोल सकते हैं ये एक मेन जो है ये एक तथ्य है ये कि हमारा इच्छा हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं। अगर हमारा डिजायर इज स्पिरिचुअली तो वी आर गोइंग टू गो अहेड, नहीं तो फिर हम लोग उसी जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग घूमते रहेंगे। हम लोग जस्ट विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप। बिल्कुल सही है प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द रियल गुड एडिशनल पॉइंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता, थैंक यू फॉर कमिंग। और ऐसे रिक्वेस्ट है माता जी प्लीज कीप कमिंग, गिव योर एसोसिएशन। प्रभु जी आप जब जब बुलाते रहेंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही बोला कि मैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए आई एम वेरी ग्रीडी, ये पता नहीं कब खत्म होगा मेरे अंदर से, इसीलिए आप लोग की प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। ये आपका डिजायर है, ये आपका डिजायर है और ये जल्द बार बार पूरा होता रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी इफ यू डोंट माइंड कैन आई लीव द सेशन, प्रभु जी का टाइम हो रहा है जाने का। यस हरे कृष्णा टू ऑल द एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। पंचकल्पतरुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।